अयोध्या के जनोरा बाईपास स्थित HCJ एकेडमी का 12वीं परीक्षा का परिणाम रविवार को घोषित हुआ। इस दौरान CISCEN ने ISC कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा का परिणाम 100% रहा, जिसमें टॉप 10 पर प्रथम स्थान पर ऋषभ पटेल 89.75%, द्वितीय स्थान पर कुशाग्र कुशला 86% व तृतीय स्थान पर अभिषेक मिश्रा 84.5% रहा। वहीं इस मौके पर प्रबंधक CP जैन, डॉक्टर शिक्षा जैन एवं प्रधानाचार्य इंदु ओझा और प्रशासनिक अधिकारी अशोक कुमार तिवारी ने बच्चों का मुंह मीठा कराकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य इंदु ओझा ने बताया कि आज हमारे विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षक प्रशिक्षण के अथक प्रयास से जिले में ICSE बोर्ड का रिजल्ट 100% गया, जिसमें हर तरह के संभव प्रयास और बच्चों को शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा प्रोत्साहित करके उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाना ही हर विद्यालय का दायित्व होता है और हमारे विद्यालय का शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने बच्चों के साथ परिश्रम करके उनके अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता का दायित्व निभाया है। I was studying in this school from last 10 years and I have got 89.75% in ISC class 12th examination. इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को मिलने देना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से कोविड की कई सिचुएशन थी, टीचर्स और पेरेंट्स ने हमारा फुल सपोर्ट किया और उसमें भी हम लोग को हौसला नहीं खोने दिया कि हम लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और हमारे टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन दोनों में बहुत अच्छी तरीके से हमारा सहयोग किया मिली। जैसे मतलब शुरुआत में हम लोग की 12th क्लास की शुरुआत में कोरोना था, तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उस समय दिक्कत कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती थी, तो हम लोग ऑनलाइन करते थे। फिर जब ऑफलाइन शुरू हुआ तो हमारे टीचर्स ने फुल कोऑपरेशन दिया। जब ऑर्डर आ गए थे कि आप ऑफलाइन आके डाउट पूछ सकते हैं, तो हमारे टीचर्स ने फुल कोऑपरेशन दिया, उन्होंने ऑफलाइन बुलाया, डाउट सॉल्व किए पूरे। और फिर ऑफलाइन क्लासेज जब स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने सिलेबस को रैपिड रिविजन फॉर्मेट में किया। ऋषभ पटेल कब डिक्लेयर हुआ, हमारे यहाँ का रिजल्ट 100% रहा, सारे बच्चे पास हो गए और उसमें ऋषभ पटेल का 89.5% और सेकेंड पे था कुशाग शुक्ला 86 और थर्ड पे है अभिषेक मिश्रा। इनके उज्जवल भविष्य मंगल कामना करते हैं कि जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया उसमें सफलता हासिल करें। सभी बच्चों के लिए है कि जिन्होंने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें वो अपना सफलता प्राप्त करें। हमने अच्छा किया, जिस तरह से कोविड के दौरान भी बच्चों ने पढ़ाई की वो अपने आप में सराहनीय है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।